हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ये बच्चों टॉपिक हमने देखा था। और इसमें हमारी पहली दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई। पहली हो गई हमारी हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, वो रिएक्शन बहुत डिटेल में हो गई बच्चों, तो अच्छे से तैयार करके रखना। दूसरी जो है वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो वो भी बच्चों हमारी बहुत अच्छे से हो गई। तो ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, और वो है फ्रॉम ऑक्साइम्स, अल्किल साइनाइड्स, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय विच रिएक्शन, बाय रिडक्शन, बाय विच रिएक्शन, बाय रिडक्शन। अब रिडक्शन इन प्रोसेस से हम इन चारों कंपाउंड से बच्चों क्या तैयार करने हैं, प्राइमरी अमाइंस। अब मैं एक बात बताता हूँ, ऑक्साइम्स, अल्किल साइनाइड्स, अमाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, ये चारों कंपाउंड्स का यदि आप कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करते हो, मतलब इन चारों कंपाउंड्स को यदि आप H2 गैस के साथ प्लैटिनम, पैलाडियम, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो, तो ये चारों कंपाउंड्स आपको देते हैं करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। LiLH4 भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। LiLH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट भी इन चारों कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में क्या करता है, कन्वर्ट। तो ये भी बच्चों हमारा हो गया। रही बात, अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे ऑक्साइम्स और अल्किल साइनाइड्स है, ऑक्साइम्स और अल्किल साइनाइड्स को मतलब आप इन दोनों का कैटरेक्शन कर सकते हो, LiH4 कर सकते हो, ये दोनों केस में वो हमें प्राइमरी अमाइन देंगे। एट द सेम टाइम ऑक्साइम और अल्किल साइनाइड्स का रिडक्शन करने के लिए हम एन एंड इथेनॉल, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, एन एंड इथेनॉल ये रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। और ये जो अमाइड्स है, अमाइड्स के लिए हम LiH4 भी यूज करते हैं। और ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स है, तो कैटलिटिक रिडक्शन तो करती हैं, LiH4 तो यूज करती हैं, साथ में नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के लिए हम SN मतलब टीन एंड कॉन्सेंट्रेट SCl भी यूज कर सकते हैं, पर या FeN कॉन्सेंट्रेट SCl भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल बच्चों इस रिएक्शन की एक समरी बताई। अब हम एक एक से इन चारों कंपाउंड से वन बाय वन प्राइमरी अमाइन क्या करेंगे तैयार। सबसे पहले बच्चों देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम से कैसे तैयार करते हैं? अब बच्चों ऑक्साइम आपको मालूम है, ऑक्साइम यानी कि अल्डोक्साइम और किटोक्साइम। अब अल्डोक्साइम और किटोक्साइम से ये कैसे तैयार होते हैं प्राइमरी अमाइंस, देखिए जरा इधर दीजिए, ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। आपको मालूम है कि अल्डोक्साइम का फार्मूला होता है बच्चों RCH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एज अल्डोक्साइम। इस अल्डोक्साइम का रिडक्शन करने के लिए बच्चों क्या लगते हैं, चार हाइड्रोजन एटम। ये चार हाइड्रोजन एटम कौन सप्लाई करते हैं बच्चों, Na एंड इथेनॉल। ये चार हाइड्रोजन कौन सप्लाई करते हैं बच्चों, Na एंड इथेनॉल। आप LiH4 भी यूज कर सकते हैं, इधर आप कैटलिटिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, तो ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक यहाँ का, और ये बॉन्ड होता है ब्रेक। अब चार H है, कैसे ऐड होते हैं, पहला H इधर, H और OH, क्या मिला आपको बताओ, H और OH क्या मिला आपको, H2O, पूरी रिएक्शन दिखनी चाहिए। फिर इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए बच्चों, ये दो, तो इसकी दो वैलेंसीज रे होगी। अब चार में से एक गया H, बचे तीन, तीन में से दो H इधर आते हैं, तो आपको क्या मिलता है, ये अमोनिया मिलता है, ये सॉरी यहाँ पे ये इस नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो यहाँ पे बनेगा NH2 ग्रुप। कार्बन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक हाइड्रोजन इसको अटैच होगा, तो आपको बच्चों ये मिलता है कंपाउंड इस तरह, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी आपको क्या मिला बच्चों, प्राइमरी अमाइन। सो रिमेंबर,
primary amines can be prepared by the reduction of aldoxymes with reducing agent like NaCl2H5OH. We can also carry out catalytic reduction of these aldoxymes, and we can also use LLH4. ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट अल्डोक्साइम्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में. इस रिएक्शन में अल्डोक्साइम का जो CH डबल बॉन्ड NOH ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH2NH2 में. ये डबली बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन की जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? सिंगली बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट कार्बन और नाइट्रोजन में. तो ये है. अब अलग अलग अल्डोक्साइम्स का रक्षण करने के बाद वो हमें क्या देंगे बच्चों? अलग अलग प्राइमरी अमाइंस देंगे. अब जैसे आप R के जगह पे क्या लेते हैं? H. तो ये हो गया फॉर्मल्डोक्साइम. फॉर्मल्डोक्साइम का रक्षण करने के बाद आपको क्या मिलता है? मिथिल अमाइन. तो रिमेंबर, फॉर्मल्डोक्साइम ऑन रक्षण विथ NaCl2H5OH गिव्स मिथिल अमाइन, मिथेनामाइन. अब ये एसिटाल्डोक्साइम है बच्चों. एसिटाल्डोक्साइम का रिडक्शन हो गया तो वो आपको क्या देता है? इथिलामाइन. इसी तरह यदि आप प्रोपियॉन अल्डोक्साइम लेते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एनप्रोपिल अमाइन. तो बच्चों रिमेंबर, अल्डोक्साइम्स ऑन रिडक्शन विथ NaCl2H5OH और ऑन रिडक्शन विथ LLH4 or on catalytical reduction, in all these three cases, aldoxymes give corresponding primary amines. The monovalent CH double bond NOH group of aldoxymes is converted into monovalent CH2NH2 group. The hybridization state of this carbon and nitrogen, which are doubly bonded, it is converted into sp3 hybridized state, singly bonded carbon and nitrogen. तो इस तरह फॉर्मल्डोक्साइम ने दिया मिथिलामाइन, एसिटाल्डोक्साइम ने दिया इथिलामाइन और प्रोपिलोक्साइम ने दिया एनप्रोपिल अमाइन. अब ध्यान रखना, अल्डोक्साइम से आपको जो बच्चों प्राइमरी अमाइन मिलते हैं उनमें जो NH2 ग्रुप रहता है वो रहता है टर्मिनल प्राइमरी कार्बन पर. अल्डोक्साइम से आपको जो प्राइमरी अमाइन मिलता है उसमें NH2 ग्रुप क्या रहता है? टर्मिनल प्राइमरी कार्बन पर. ये बात ध्यान में रखना, ठीक है. तो ये हो गया अल्डोक्साइम के बारे में. अब हम देखेंगे किटोक्साइम के बारे में. देखो किटोक्साइम का फार्मूला इस तरह आप लिख सकते हो, आर आर डैश बायवैलेंट सी डबल बॉन्ड NOH. हा झाला आपला किटोक्साइम. या किटोक्साइमचं रिडक्शन केलं तो चार हायड्रोजन लगेंगे बच्चों एज यूजुअल. कौन सप्लाई करेगा? NaCl इथेनॉल. ये बॉन्ड होता है ब्रेक, ये बॉन्ड होता है ब्रेक. 4H, एक H इधर, इसके दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2H इधर और एक H इधर. ये H और OH बच्चों क्या देगा हमें? H2O. अब ये क्या मिला देखो, R R डैश बाय वैलेंट CH. क्या मिला हमें? R R डैश बाय वैलेंट CH. और ये सिंगल बॉन्ड बचा बच्चों पाए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ये हमें मिलेगा सिंगल बॉन्ड NH2. ये क्या मिलेगा हमें? सिंगल बॉन्ड NH2. अब देखो बच्चों NH2 ग्रुप है तो बी झिझक आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी अमाइन. सो रिमेंबर, प्राइमरी अमाइंस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ किटोक्साइम्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaCl2H5OH. We can also carry out catalytical reduction of ketoxime, and also we can carry out reduction by using LH4. Again, in तीनों cases में बच्चों ketoxime आपको क्या देगा? Corresponding primary amine. अब देखिए आप यहाँ पे ये लीजिए CH3CH3. अब ये कौन हो गया बच्चों? ये acetoxime हो गया. Acetone को hydroxyl amine के साथ react किया कि ये मिलता है एसिडॉक्साइम. अल्डेस कीटोन्स में देखिए हमने रिएक्शन. एसिडॉक्साइम का रिडक्शन करने के बाद बच्चों आपको क्या मिलता है? ये देखो, ये मिला आपको आइसोप्रोपिल अमाइन. आइसोप्रोपिल अमाइन सेकेंडरी प्रोपिल अमाइन. और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल अमाइन कौन से टाइप का है तो बोलते सेकेंडरी.
ये गलत है। सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन, इसमें सेकेंडरी वो अल्किल ग्रुप के नाम का प्रीफिक्स है, ये तो प्राइमरी अमाइन है बच्चों, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन को एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए नाम पर मत जाना। आइसोप्रोपिल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन बिकॉज इट कंटेन्स NH2 ग्रुप, प्राइमरी अमीनो ग्रुप। तो इस तरह एसिटोक्साइन ऑन रिडक्शन विथ NaCl2OH गिव्स आइसोप्रोपिल अमाइन। अब ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, ये है इथिल मिथिल कीटोक्साइन, इथिल मिथिल कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट हो गए एक दूसरे के साथ कि ये तैयार होता है। अब इथिल मिथिल कीटोक्साइन रिएक्ट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों ये कंपाउंड सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन, आपको क्या मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन। तो इस तरह से ये हो गया, तो ये हो गया बच्चों। हाँ, अब कीटोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन आपको मिल रहा और अल्डोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन मिल रहा, इसमें फर्क क्या है। अल्डोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन मिलता है बच्चों, उसमें NH2 ग्रुप टर्मिनल प्राइमरी कार्बन को अटैच रहता है, और कीटोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन मिलता है बच्चों आपको, इसमें NH2 ग्रुप इस सेकेंडरी कार्बन को अटैच रहता है। अल्डोक्साइन और कीटोक्साइन दोनों आपको प्राइमरी अमाइन देते हैं ऑन देयर रिडक्शन विद NaCl2OH। सिर्फ फर्क यह है कि अल्डोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन मिलता है उसमें NH2 ग्रुप टर्मिनल प्राइमरी कार्बन को अटैच रहता है, और कीटोक्साइन से जो प्राइमरी अमाइन आपको मिलता है उसमें NH2 ग्रुप नॉन टर्मिनल सेकेंडरी कार्बन को क्या रहता है बच्चों, अटैच। तो आप NaCl2OH ये करो यूज ये पहला, या आप कैटालिटिकल रिडक्शन यूज करो ये, या आप LiLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ये करो। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों क्या करते हैं, अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम को किस में रिड्यूस करते हैं, प्राइमरी अमाइन में। तो बच्चों ये रिएक्शन अपना रहे, नोट्स में भी है तो अच्छे से वहाँ पे दी भी है, आप अच्छे से करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और आगे की रिएक्शन है और वो है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। चलो अब भी देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स और अल्किल नाइट्राइल्स। अल्किल साइनाइड्स या अल्किल नाइट्राइल्स, इनका रिडक्शन करके अब हमें बच्चों क्या तैयार करने हैं, प्राइमरी अमाइंस तैयार करने हैं। अब कैसे तैयार करते हैं, देखो अल्किल साइनाइड का रिडक्शन भी आप क्या रिडक्शन कर सकते हैं इनका, उसमें भी ये प्राइमरी अमाइन देते हैं, LH4 यूज करके फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इसमें भी आपको ये अल्किल साइनाइड क्या देते हैं, प्राइमरी अमाइन, और NaN इथेनॉल ई यूज करके भी RCN आपको क्या देता है, RCH2NH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन। तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, जो पिछली बार हमने यूज किया वो इसमें भी यूज कर सकते हैं, और वो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट अल्किल साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में क्या करते हैं, कन्वर्ट। अब देखिए रिएक्शन कैसी है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल इज R सिंगल बॉन्ड CN। इसका रिडक्शन करने के लिए क्या लगते हैं, चार हाइड्रोजन, ये चार हाइड्रोजन कौन सप्लाई करता है, NaN इथेनॉल। अल्किल साइनाइड के दो पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रिक, चार एच में से दो एच इधर और दो एच इधर, और आपको क्या मिलता है, RCH2NH2, यानी बच्चों आपको क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। तो इस तरह से आपको ध्यान में आया होगा कि प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड by the reduction of alkyl cyanide or nitrile with reducing agent like NaCl2OH. जब आप NaCl2OH यूज करते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, तो उस वक्त इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, है ना। When we use NaN ethanol, this reducing agent, to reduce alkyl cyanides or nitriles into primary amines, then that reaction is called as Mendius reduction reaction. अब देखो कैसे होती है आगे की reaction.
अब देखिए मिथिल साइनाइड एसेटोनाइट्रिल लिया, इथेनाइट्रिल इसका आईपीसी नेम है, मिथिल साइनाइड एसेटोनाइट्रिल का रिडक्शन हमने किया तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, CH3CH2NH2, क्या मिलेगा हमें CH3CH2NH2। तो मिथिल साइनाइड और एसेटोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद NaCl2OH गिव्स इथिलामाइन। यदि आप इथिल साइनाइड लेते हो प्रोपियोनोनाइट्राइल तो वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है एन प्रोपिल अमाइन। सो एन प्रोपिल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इथिल साइनाइड और प्रोपियोनोनाइट्राइल विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Na and C2H5OH। तो इस तरह से एरो पर ये दिखता है, या LLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस दिखता है, या कैटालिटिकल रिडक्शन दिखता है, तो ये तीनों केस में बच्चों ये साइनाइड ग्रुप जो है CN ग्रुप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 ग्रुप में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 ग्रुप में। तो इस तरह से ये हो गया मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अब इस रिएक्शन में क्या हो गया बच्चों, ये साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में। अब ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है और नाइट्रोजन है sp हाइब्रिडाइज, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगली बॉन्डेड कार्बन और नाइट्रोजन में, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और नाइट्रोजन में, ये कन्वर्शन है। तो यदि आप ये दिखते हो Na2CH5OH या ये दिखते हो LLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, या ये देखते हो H2NiHeat, ये तीनों केसेस में RCN रिड्यूसेस इनटू RCH2NH2। लेकिन जब आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो बच्चों एन एंड इथेनॉल, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। तो इतनी आसान सी रिएक्शन से बच्चों, ये इजी रिएक्शन से आपको कोई, चलो अब अगला देखते हैं नंबर सी, और ये है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अमाइड्स बाय रिडक्शन। अब हम ये जो अमाइड्स है RCONH2, इन अमाइड्स का रिडक्शन करके बच्चों हम क्या तैयार करने वाले हैं, प्राइमरी अमाइंस। लेट अस सी हाउ इज द रिएक्शन। देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज अमाइड। इस अमाइड का रिडक्शन करने के लिए क्या लगते हैं, 4H। तो 4H हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों जिस रिएक्शन में LLH4 इन्वॉल्व होता है, LLH4 बच्चों ये हाइड्रेट एंड डोनर है, H नेगेटिव एंड डोनर है। जनरल रिएक्शन में हम हाइड्रेट एंड लिखते नहीं, तो LLH4 वाली रिएक्शंस को हम बैलेंस करते भी नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, LLH4 से इसको रिड्यूस करना, जो इंटरमीडिएट तैयार होगा रिडक्शन के बाद, तो उस इंटरमीडिएट का क्या करना, एसिड हाइड्रोलिसिस। बस बच्चों ये आरओ पर दिखा, डोंट ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन, इवन डोंट थिंक अबाउट टू बैलेंस दिस रिएक्शन। सीधा ये आरओ पर दिखा तो ये RCONH2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCH2NH2। ये आरओ पर दिखा बच्चों तो CONH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। मतलब आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। अब फॉर्मामाइड लेंगे, आप समझ लो फॉर्मामाइड का रिडक्शन करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, मिथिलामाइन। एसिडामाइड का रिडक्शन करेंगे इसी तरह तो क्या मिलेगा, इथिलामाइन। प्रोपियोन अमाइड लेंगे बच्चों, प्रोपियोन अमाइड उसका रिडक्शन करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, एन प्रोपिल अमाइन। क्या मिलेगा आपको, एन प्रोपिल अमाइन। सो रिमेंबर प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स विथ LLH4 एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अमाइड्स। चलो अब बच्चों यहां पे आप कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो अमाइड का इनटू प्राइमरी अमाइड।
अब हम देखते हैं बच्चों ये डी रिएक्शन, और इसमें है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम नाइट्रो अल्केन्स और नाइट्रो पैराफिन्स। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स और नाइट्रो पैराफिन्स बाय रिडक्शन कैसे करते बच्चों? बहुत सिंपल रिएक्शन है रे। ये देखो ये नाइट्रो अल्केन है बच्चों, नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन होने के लिए क्या लगते हैं? 6 हाइड्रोजन आइटम। ये 6 हाइड्रोजन आइटम हमें कौन सप्लाई करता है? SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लो। कभी कभी ऐसे नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लो। Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होगा? रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होते बच्चों। 6H दो H नाइट्रोजन को अटैच होते हैं और 4H दो ऑक्सीजन को, तो R नाइट्रोजन को 2H, यानी कौन तैयार होगा? प्राइमरी अमाइन। और 4H और 2 ये क्या तैयार करेगा? ट्वाइस H2O। तो इस तरह बच्चों ये हो गया कि प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप यहाँ पे LLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस वो भी यूज कर सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। आप इसका कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होता है देखो बच्चों, क्या होता है, समझ लो आपने नाइट्रोमीथेन लिया, नाइट्रोमीथेन का यदि आपने कैटालिटिक ये इस तरह रिडक्शन किया तो क्या मिलेगा आपको? मिथिलामाइन। सो रिमेंबर, मिथिलामाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोमीथेन विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN और Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यदि आपने नाइट्रोइथेन लिया बच्चों और नाइट्रोइथेन का रिडक्शन किया तो आपको क्या मिलेगा? इथिलामाइन। सो इथिलामाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN और Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सिंपल है ये आपको एरो पर दिखा, ये आपको एरो पर दिखा, तो दिस ग्रुप NO2 ग्रुप इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। आपको एरो पर ये दिखा SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और आपको ये दिखा Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो इसका मतलब यही है कि NO2 ग्रुप विल रिड्यूस इनटू NH2 ग्रुप। तो ये हो गया बच्चों एक चौथी रिएक्शन कि जिसमें हमने नाइट्रो अल्केन्स का रिडक्शन करके क्या बनाया, हमने ये प्राइमरी अमाइंस बनाया। तो ये 4 रिएक्शंस बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना, समझ में आया? तो इस तरह से ऑक्साइम्स, अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, अमाइड्स और नाइट्रो अल्केन्स, इन चारों कंपाउंड का आप या तो कैटालिटिक रिएक्शन करो या आप इनका LLH4 यूज करके फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस करके रिएक्शन करो, या आप इन सब केसेस में ये आपको चारों क्या देंगे? प्राइमरी अमाइन। हाँ, यदि ऑक्साइम्स और अल्किल साइनाइड्स है वी प्रिफरेबली यूज एन एंड इथेनॉल, अमाइड्स है तो वी प्रिफरेबली यूज LLH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, नाइट्रो अल्केन्स रहा तो वी प्रिफरेबली यूज SN और Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये हो गया बच्चों 5 ही रिएक्शंस के बारे में, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। PDF फाइल नोट्स मैंने दी हैं, ये लेक्चर देखने के बाद जैसे आपको समय मिलता है एक बार PDF फाइल से नोट्स देख लीजिए और थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही तो फिर यू विल बी इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ, कल हम देखेंगे एक नई रिएक्शन और वो है हॉपमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक खास रिएक्शन है बच्चों, और उसका शॉर्टकट टेक्निक भी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।